अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार पहली बात तो ये कि हमज़ा आज हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि फ्राइडे है, जुम्मा है, छुट्टी है। पहले तो ये बताओ, नमाज पढ़ी है तुमने जुम्मे की? अच्छा मौलवी के पीछे बताओ ये क्या किया? क्या क्या किया? ये हमने रैबिट की जगह बनाई है यार, देख अपने कितनी प्यारी बनी है। कौन सा बीस वाले। ये पाइप क्यों स्लिप होगा ना रैबिट, वो चढ़ाई बन गई है। अबे ज्यादा ऊपर तो नहीं है, तो फिर ये काम करते हैं, ये एक ईंट नहीं है, एक ईंट का रद्दा है ना, एक ईंट का रद्दा निकाल देते हैं। उल्टे हाथ से यार, उल्टे हाथ से आप लोगों ने नोटिस करा होगा मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जबकि इसको खुद को भी पता है मेरे उल्टे हाथ में क्या हुआ है। मैं तुम लोगों को दिखाऊं, ये देखें, देख रहे हो हालत मेरी, ये देखें दोस्तों, 1 2 3 ये 4 और ये देखें 5 6। ये आप लोगों को मेरे हाथ चूझे हुए दिख रहे होंगे, मैं खुद तुम लोगों को फ़र्क दिखाता हूँ हाथ में। पकड़ना हमारा कैमरा, घुमाओ कैमरा ज़रा, ये देखें इस हाथ को और इस हाथ को देखें, मेरे दोनों हाथ बहुत फ़र्क है, सूझ रही है ये जगह इन हाथों की दोनों की, ये देखें ये सूझ रहा है पूरे का पूरा, ये जगह बहुत फ़र्क आ रहा है हाथ में, और मेरे इस हाथ से काम ही नहीं हो पा रहा कोई, मैं परेशान होकर रह गया हूँ, तकलीफ रही है रात भर, और पूरे घर ने सुनाई है कि तुमने हरकत क्या करी है। और वजह ये है, जो हमने सीमेंट लगाया ना मैंने यहाँ सारे का सारा, वो मैं डायरेक्ट हाथ से, वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, और बहुत बड़ा बेवकूफ़ी करी है मैंने, मुझे दस्ताने पहन के करना चाहिए था। तो यार आप लोग भी अगर कभी भी काम करो ये सीमेंट का, तो उसमें लाजमी जो है ना दस्ताने पहनना, वरना हाथों का ऐसा भीड़ा गर्क होगा ना कि याद रखोगे, ऐसा दर्द होगा ना, मेरे अभी हाथ यूँ नहीं हो पा रहा, ये देखें मेरे बहुत तकलीफ़ हो रही है उसमें, और इस वजह से आज हम दीवार भी नहीं खड़ी कर पाए, क्योंकि आज अगर दीवार खड़ी करते तो हमज़ा अकेली करता, तो हमज़ा ने बोला भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं अकेली कर पाऊँ, तो तुम सेट हो जाओ फिर खड़ी करते हैं, लेकिन कल ये होगा नहीं, तो खैर से यार कर लेंगे कुछ ना कुछ ये दीवार, बाकी दोस्तों कल खड़ी होगी, आज नहीं। बट आज हमारे पास एक सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, तो वो अभी मैं थोड़ी देर में तुम लोग को दिखाता हूँ। तो यार दोस्तों अब जो है हम इसकी पहले ईंटें उठाते हैं, एक मिनट यार देखना, हम ना नीचे से ना टूटे, निकाल लोगे? पकड़ा हुआ मैंने, उठाया हुआ, देखो अगर निकल गया। एक उठाया हुआ मैंने, उठाया हुआ नीचे वाली ईंट देख के रखना, नहीं उठेगा ना ये दीवार से कच्चा हो जाएगा। हाँ बेहतरीन, नीचे करो, अभी तो यहाँ अटक गया, छोड़ दो, ईंट लगाओ, नहीं आ रहा, पाइप तोड़ देगा, ईंट लगा, गलत, क्या कर रहा? अबे पाइप टूट जाएगा यार, इतना बहुत गलत निकलवा दी ईंट, उठावा इससे ज्यादा नहीं उठेगा, डालो ईंट, वाली भी डालो, डालो ईंट, ये इस तरफ गिर जाएगी, डालो भाई, क्या करवा दिया यार, मसला करा दिया तुमने तो खड़ा, डालो यहाँ पे ईंट, हाँ लाजमी डलेगी इसके ईंट नीचे भाई। ओ भाई बच गया यार, हमारा बहुत कन्नों से बचा है, अभी सारे का सारा तुम तोड़वा देते, ये तो मैं भूल ही गया यार, ये पाइप यहाँ पे अटका हुआ ना, इसकी वजह से ये पाइप नीचे नहीं हो पा रहा है। खैर से हमजा और मैंने अभी तो उसको 2 ईंटें रख दी हैं और टिका दिया है कि यहाँ ही रहे, जब मिट्टी अंदर डलेगी ना तो फिर ये हिलेगा नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा। बट यार खैर है यार, मेरे हिसाब से तो रैबिट चले जाएंगे, ये बोल रहे हैं कि यहाँ से रैबिट ना ऊपर नहीं जा पाएगा यार, लेकिन मुझे भी हो रहा है, क्योंकि ये देखो यार होल ना ऐसे जा रहा है स्ट्रेट, तो ये बोल रहे हैं कि ये ऊपर नहीं जा पाएगा। आप लोग कमेंट में बताओ क्या इसके अंदर रैबिट ईजिली चले जाएगा या नहीं। तो यार अब जो है हम आप लोगों को वो सरप्राइज़ दिखाते हैं कि वो आज हमारे पास क्या आया है, बहुत प्यारी चीज़ है यार, उसका ना काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि वो किसी दिन आ जाए, लेकर हमें आनी थी वो ख़रीद के, पर जो है आज भाई सुबह मार्केट गए थे तो वो लेकर आ गए, मेरे हाथ की वजह से यार मेरी हिम्मत ही नहीं थी कहीं जाने की, मेरे हाथ में ना इस वाले में बहुत शदीद तकलीफ़ है, हत्ता कि इस हाथ में भी मेरे ज़ख्म हुआ हुआ, ये देखें। तो खैर से भाई हमदा निकालो यार इसको बाहर, ये देखो चलो इसको ले लो, पकड़ लो, हाँ बंद करो। तो यार इसको हमने क्यों खोला है छोटे डॉन को, तो छोटे डॉन को खोलने की वजह ये है, तुम लोग समझ जाओ यार, हम जो हैं वो इसकी पार्टनर लेकर आ गए हैं भाई, तो इसकी पार्टनर कहाँ है वो हमदा निकाल के लाता है, भाई हमदा निकाल के लाओ, कहाँ गए, जल्दी से निकाल के लाओ। मैं यार हाथ की वजह से कुछ उठा नहीं पा रहा ना कुछ कर पा रहा हूँ, बहुत शदीद तकलीफ़ हो रही है हाथों में, यकीन जानो। तो हमज़ा ला रहा है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तो ये आ गई भाई हमारी, ये चेक करें माशाल्लाह भाई, कैसी प्यारी है यार, क्यूट सी, हमने इससे बड़ी नहीं है साइज़ में, ये तो बहुत पिद्दस हैं यार, ये लो भाई। तो यार अब हम इसको देते हैं सरप्राइज़ इसका, ये मुर्गी, तो भाई तुम्हारी पार्टनर, हुए 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 पार्टनर आ गई ये
भाई हमारे छोटे डॉन को उसकी पार्टनर पसंद आ गई है और उसने मीटिंग भी कर ली है भाई, उसको समझ आ गई। मतलब फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ कि छोटे डॉन को जो है उसकी पार्टनर सही लगी। पहले वाली जो थी हमदा वो है ना, वो ज्यादा इसके साथ यार सेट नहीं रह पा रही थी। पर भाई ये देखें माशाल्लाह से, दिखा ना ये देखें माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। और एक तुमने देखा है सीन, खुशखबरी, इसने आते ही एक अंडा दिया है। इसने आते ही हमारे पास एक अंडा दिया है जो कि नीचे पड़ा हुआ है अभी, वो मैं तुम लोगों को दिखाता। खैर से नॉर्मली अंडा है जैसा होता है। ये क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया भाई? खैर सही है सही है सही है सही है। तो यार यही सरप्राइज था आज का हमारा कि हम जो है फाइनली इसकी पार्टनर लेकर आ गए हैं। मुझे लग रहा है इसके पाँव में वो देखो उससे राइट हैंड में। चलो यार तुम उसके साथ जाके खाओ ना, अपने पार्टनर के साथ जाओ। तो यार लाजमी कमेंट में बताना कैसी लगी तुम लोगों को हमारी नई मुर्गी जो कि हम छोटे डॉन की आ गई है। तो यार अब जो है हमें दोस्तों इसकी मुर्गी को हटा देना है, क्योंकि अब जो है ये दोनों लाइफ पार्टनर बन चुके हैं और इसने पूरे दिल से मान लिया उसको, है ना हमदा? पूरे दिल से मान लिया उसको। लेकिन यार एक चीज़ हमने मुर्गी महसूस नहीं है वो, है ना, पहले वाली जो हमारी मुर्गी थी ना यार वो खैर इसलिए अच्छी नहीं थी, अंडे नहीं देती थी। इसने भाई आते ही एक अंडा दे दिया। तो खैर से चलो भाई खोलो, जाओ जाओ, और आज से इन दोनों का ये घर हो गया। चलो भाई अंदर जाओ, अरे आराम से भाई। चलो तो अब से तुम्हारी ये बेगम है भाई, याद रखना। हाँ क्योंकि यार ये बहुत ना चलाक है, ये ना बाकियों के पास जाता रहता है और मस्ती बहुत करता है भाई है। तो इस वजह से ना हमने फाइनली इसकी पार्टनर तो लाके दे दी। और अब जो है दोस्तों हमारे पास वो सेब्राइट की पार्टनर लानी है यार। अब बेचारा ये अकेला रह गया, सारों को जो है वो शादी हमने करा दी, सिर्फ ये बेचारा अकेला रह गया, इसकी पार्टनर नहीं आ पा रही। तो इसकी पार्टनर हम जल्द लेकर आएंगे। तो यार हमने जो है दोस्तों वो इसके ना छोटी के बाल बाल काटे हैं। ये देखो भाई इसके ना बहुत ज़्यादा पैरों पे बाल आ रहे थे और बैक के बाल इतने गंदे हो रहे थे इसके, हमने सारे के सारे सेट कर दिए। देखो अब इसके ना बाल कम हो गए, तो ये बहुत अच्छा हो गया। हमने और मैं यही देख रहे थे, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी है, तो वो बाल हमने काट दिए, वो देखे वो पड़े थे सारे। अब हमारे पास जो है छोटे डॉन के सिर्फ अंडे आना बाकी हैं, क्योंकि एक अंडा मुर्गी ने आते ही दे दिया, मतलब कि ये हीटअप पे है और ये जल्द अंडे दे देगी। क्या लगता है दिलवा देगा वो? 2 से 3 दिन में हो सकता है हमारे पास इंशाल्लाह अंडे आ जाएं। क्या हो गया, क्या मसला हो गया? कौन ये? तो वो है ना छोटे अली की, ये तो भाई लड़ेंगी और बराबर में भी मुर्गी है। ये भी तीनों ने इसको निकाल ले भाई हमजा, ये नुकसान हो जाएगा क्योंकि जाली हल्की है, जाली तोड़ देंगी है। ये बेहतर एक काम करते हैं, इसको इसके साथ रख देते हैं, है ना, बड़े वाले मुर्गे के साथ छोड़ देते हैं जब तक के लिए फिलहाल। चलो भाई आ जाओ, जब तक तुम यहाँ पे रहो। चलो चलो बन कर दो। तो यार दोस्तों कल हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये वाली दीवार भी खड़ी कर दूँ और ये वाली भी, पर यार हमारे पास ईंटों की कमी लग रही है। हमदा इन ईंटों में हो जाएगी ये? नहीं ना, यहाँ दीवार यार ऊंची करनी है, इससे ऊंची दीवार खड़ी होगी। तो इससे ऊंची दीवार खड़ी होगी यार, नहीं यार इससे मिल जाएगा ना, एक शेप बन जाएगा ना खूबसूरत। तुम ये नहीं समझ रहे हो, एक प्यारा सा शेप बनाना है, बहुत प्यारा लगेगा। जो मेरे दिमाग में है ना वो तुम रहने दो, मैं खुद बना के दिखाऊंगा। अब वो हो गया गलती, अब क्या करें, तुम्हारे सामने नीचे करो नहीं होगा। कौन, अरे भाई 2-2 ईंटों की बात नहीं है, ये पाइप अब नीचे नहीं हो सकता, ये पाइप इधर जम गया है, अगर पाइप नीचे खींचा टूट जाएगा। नहीं निकल सकती ना, तीनों पाइप फिक्स हुए हैं। खैर से यार आ जाएंगे रैबिट, देख लेंगे हम, कुछ ना कुछ कर देंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा बड़ा मसला नहीं है। रैबिट खुद चढ़ा करेंगे ना, खुद चढ़ जाएंगे मेरे हिसाब से तो इंशाल्लाह। बाकी भाई कल देखते हैं यार क्या सीन बनता है। और आज तुम लोगों को सरप्राइज कैसा लगा लाजमी कमेंट में बता देना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।